नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। पेंटागन की रिपोर्ट पर भारत की दो टूक, कहा चीन का गैर कानूनी कब्जा या कब्जे का अनुचित दबाव मंजूर नहीं। स्मृति ईरानी का प्रियंका गांधी पर तंज, कहा घर पर लड़का है पर लड़ नहीं सकता। बांग्लादेश सीमा के पास फिर मवेशी तस्करी की कोशिश, बीएसएफ ने ढेर किए 2 तस्कर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना का बड़ा अभियान, हिजबुल के 2 आतंकी ढेर, ऑपरेशन जारी। ₹2030 तक कोलकाता में चलेंगे केवल ई वाहन, बंगाल में सालों से तैयार हो रहे इको फ्रेंडली शहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम को करेंगे लोकार्पित, आयोजित होगा मेगा इवेंट। आम आदमी पार्टी के लखनऊ में 28 को रोजगार गारंटी रैली, संबोधित करेंगे आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल। ट्रैक्टर रैली निकालकर किसान आंदोलन का जवाब देगी भाजपा, यूपी के हर जिले में निकालेगी रैली। कानपुर में हाई स्कूल के स्टूडेंट ने बनाई कमाल का डिवाइस, ड्राइवर को नींद आने पर करेगी अलर्ट। संभल में कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा जय श्री राम का नारा लगाकर कुछ लोग कर रहे गुमराह, सबसे शक्तिशाली हुए। चीन में सबसे शक्तिशाली हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग, तीसरी बार बनेंगे मुखिया। भारत से ग्रेफाइट और ब्राजील से लकड़ी आने के बाद भी अमेरिका में होता है पेंसिल का निर्माण, बाइडेन ने कहा। तालिबान का पैरोकार बना पाक, कहा अफगानिस्तान को लेकर पिछली गलतियां न दोहराए दुनिया। नेल्सन मंडेला के साथ नोबेल पुरस्कार पाने वाले द अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क का निधन। आतंकी सूची से हटा टीएलपी मुखिया साद रिजवी का नाम, 100 से ज्यादा जघन्य मामलों में रहा है शामिल। भारत 2031 में कर सकता है आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी, और 2024 में आईसीसी टी20 विश्व कप के साथ नया चक्र होगा शुरू। भारत की कमर तोड़ने वाले गेंदबाज शाहीन अफरीदी की ऑस्ट्रेलिया ने ली खबर, पाकिस्तान का पत्ता साफ। डेविड वार्नर ने पाकिस्तान के खिलाफ की शर्मनाक हरकत, भड़के भारतीय दिग्गज बोले इनको शर्म नहीं आती। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान के लिए बजाई तालियां, भारतीय फैंस का फूटा गुस्सा। रोहित शर्मा पूरी न्यूजीलैंड स्टेट सीरीज से बाहर, पहले मैच में नहीं खेलेंगे विराट कोहली। यशराज फिल्म्स का ओटीटी की तरफ रुख, यशराज फिल्म्स के ओटीटी वेंचर के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे आदित्य चोपड़ा, रणनीति का जल्द होगा खुलासा। सुपरस्टार सूर्या ने अपनी फिल्म की टीम को बांटा 1 करोड़ रुपए का सोना। नुसरत जहां ने यशदास गुप्ता से मैरिज कंट्रोवर्सी पर तोड़ी चुप्पी, बोली मुझे गलत तरीके से पेश किया गया। करण जौहर ने आलिया संग खेला रैपिड फायर राउंड, एक्ट्रेस ने अक्षय रणवीर से जुड़े कई सवालों का लिख कर दिया जवाब।
टाइगर श्रॉफ की सबसे ज्यादा 70 दिनों तक शूट होने वाली फिल्म है गणपत, फ्यूचर सिटीज का दिखेगा तड़का। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।